Wow, that's... One bad day job, is it? Beautiful babies! तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हरलैंड। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था द इंस्टीट्यूट। और ये मूवी एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर बनी हुई मूवी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। वार्निंग, वेलकम टू हरलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी चीज से डरकर भाग रही थी। तभी कुछ हाथ उसकी तरफ आते हैं और उसके पेट को चीरने लगते हैं, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। अब वो डर के मारे उठती है और हमें पता चलता है कि उसका नाम मेरी था और उसके साथ में उसका हस्बैंड भी था जिसका नाम डैनियल था। नेक्स्ट सीन में हम लोग मेरी को डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए देखते हैं जिसमें वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बातें कर रही थी। उसने किसी तरह का ट्रीटमेंट भी करवा रखा था लेकिन उससे भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ था, जिस वजह से मेरी और डैनियल दोनों ही काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि मेरी कभी माँ नहीं बन सकती थी। डैनियल मेरी को हर्बल रेमेडी भी ट्राई करवाता है लेकिन उससे भी उसे कोई फायदा नहीं होता है और उल्टा मेरी की तबीयत बिगड़ जाती है। फिर उसी रात को डैनियल इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहा था और तभी उसे लेंस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलता है जिसमें उन लोगों के बारे में बताया जाता है जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते और उन्हें ट्रीटमेंट के थ्रू पेरेंट बनाया जाता है। इसके बारे में डैनियल मेरी को भी बताता है लेकिन मेरी को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अपनी माँ बनने की उम्मीद को खो चुकी थी। लेकिन डैनियल के कहने पर वो वहाँ तक जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए रेडी हो जाती है। अब अगले ही दिन वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए अपनी पैकिंग करते हैं और फिर वहाँ के लिए निकलते हैं। मेरी कार में काफी ज्यादा टेंस थी लेकिन डैनियल उसे शांत करता है और उसे माँ बनने की होप देता है, जिसके बाद में वे लोग अपने ट्रिप को एंजॉय करते हैं। और कुछ घंटों के बाद में वो लेंस इंस्टीट्यूट पर पहुंच जाते हैं जो कि एक डेंस जंगल के बीच में बना हुआ था। वहां पर उनका वेलकम एक लेडी अटेंडेंट करती है और उन्हें रहने के लिए एक रूम भी दिया जाता है और उन्हें वहां के कॉस्ट्यूम भी दिए जाते हैं। अब हमें एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है जिसमें कि हम देख पाते हैं कि उनके रूम में एक कैमरा लगा हुआ है और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग होते हैं जिनका नाम स्टीव, ब्लू, इजी और मेल था। और उनमें से स्टीव और मेल एक कपल था और ब्लू और इजी एक लेस्बियन कपल थे। और ये सभी लोग वही लोग थे जो कि अपनी माँ बनने की उम्मीद खो चुके थे और वो एक अपनी आखिरी उम्मीद लेकर इस इंस्टीट्यूट में आए हुए थे। तभी वहाँ पर मैरी और डैनियल भी आ जाते हैं और वे खुद को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये लोग मिलकर कुछ बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर डॉक्टर आर्थर लेंस आ जाते हैं और इसी के नाम से ये हॉस्पिटल था। और डॉक्टर के कहने पर वे सभी लोग मिलकर मैरी और डैनियल को वेलकम करते हैं। फिर डॉक्टर उन सभी के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देता है और ये बताता है कि यहाँ पर उन्हें सिर्फ हेल्थी चीजें खाने को दी जाएगी जिससे कि उनकी हेल्थ पर कोई भी बुरा असर नहीं हो। अब बाद में मेरी एक जूस का ग्लास उठाती है और स्मेल करके पूछती है कि क्या इसमें ड्रग्स है। तो डॉक्टर उसे अश्योर करता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि उनकी हेल्थ पर कोई भी अफेक्ट हो और यहाँ पर सारी हेल्थी चीजें हैं जिससे कि उनकी बॉडी को बेबी कंसीव करने के लिए रेडी किया जाएगा और उसी से वो एक हेल्थी बेबी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर रखी खाने की सभी चीजें और ड्रिंक्स बिल्कुल प्योर हैं। तभी एक अटेंडेंट डैनियल को ड्रिंक सर्व करती है लेकिन वो उसे पीने से मना करता है और डॉक्टर उसे वो पीने के लिए कहता है। और मैरी और डैनियल दोनों ही चीयर्स करके अपना अपना ग्लास खत्म करते हैं और डॉक्टर उन्हें अजीब तरीके से देखता है। फिर इसके बाद डैनियल उसे उसके बच्चों के बारे में पूछता है लेकिन वो उनसे कहता है कि उसका कोई भी बच्चा अब नहीं है। और ये सुनकर मेरी को थोड़ा बुरा फील होता है और फिर वे सभी मिलकर डिनर करते हैं और आफ्टर डिनर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में डैनियल और मेरी बालकनी में बैठकर एंजॉय कर रहे थे और हमें डैनियल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसे किसी तरह का नशा हुआ है। और मेरी आकर उसे किस करती है। फिर वो दोनों रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं और हमें वहीं पर डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने स्क्रीन पर उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख रहा था और उसके फेस पर एक बहुत ही वियर्ड सी स्माइल थी। अब अगले सीन में एक अटेंडेंट मेरी को बुलाने आती है और उसे डॉक्टर के पास में लेकर जाती है जो कि हॉस्पिटल से बाहर उसी के फार्म पर होता है। मेरी वहाँ पर आती है और वो उसे कुछ बात करता है कि तभी वहाँ पर झाड़ियों के पीछे एक हिरण की आवाज आती है और डॉक्टर उस अटेंडेंट से पिस्टल लेकर उसे शूट कर देता है और उससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे कि वो मारा जाता है। अब मेरी जाकर डैनियल को सारी बात बताती है जिसे सुनकर डैनियल शॉक्ड होता है और तभी वहाँ पर वही अटेंडेंट आती है जो कि हमेशा डॉक्टर के साथ रहती है, जो मेरी को उसकी अपॉइंटमेंट के लिए बुलाने भी आती है।
फिर हम लोग ब्लू को देखते हैं जिसका एक डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा होता है और डॉक्टर उसे कहता है कि अब उसकी बॉडी बेबी कंसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी है। फिर ब्लू वहाँ से ये कहकर जाने लगती है कि ये गुड न्यूज वो जाकर इजी को देगी। फिर इसके बाद वहाँ पर डैनियल और मेरी आते हैं और आर्थर एक मशीन में मेरी की बॉडी की स्क्रीनिंग करता है और उसके प्राइवेट पार्ट में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है जिससे कि मेरी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी और डैनियल आर्थर को मना करता है लेकिन डॉक्टर आर्थर उनकी एक भी नहीं सुनता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लेक के पास में एक योगी नाम का व्यक्ति उन्हें एक्सरसाइज करवा रहा था और फिर डैनियल पूल के पास रेस्ट कर रहा था तभी वहाँ पर मेरी उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है और उसे पिलाने के बाद में वो उसे रूम में ले जाकर उसके साथ में इंटीमेट होती है और अगेन ये चीज़ डॉक्टर लाइव देख रहा था लेकिन तभी उनसे वो हिडन कैमरा टूट जाता है जो कि लैंप में लगा हुआ था लेकिन मेरी और डैनियल का उस पर ध्यान नहीं जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी सडनली बेड से उठकर आर्थर के पास ट्रीटमेंट के लिए चली जाती है और फिर डैनियल भी नहाने के बाद में वहाँ आ जाता है और वो उनसे कहता है कि अब मेरी की बॉडी प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए रेडी है और ये सुनकर मेरी बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर डैनियल आर्थर से उसकी हेल्थ के बारे में कहता है कि उससे वीकनेस हो रही है और क्या वे लोग ड्रिंक में कुछ मिलाकर उन्हें देते हैं जिस पर से डॉक्टर उसे वियर्ड सी बातें कहता है और इनडायरेक्टली वो कैमरा ब्रेक होने वाली बात भी और ये सुनकर डैनियल को उस पर डाउट होने लगता है और डैनियल वहाँ से चला जाता है। मेरी बाहर पुल के पास में बैठी थी और डैनियल उसे साइड ले जाकर उसे कहता है कि उसने यहाँ पर बहुत सी वियर्ड चीज़ें नोटिस की है और वो ये भी कहता है कि आर्थर उनके सभी मूव्स पर नज़र रखे हुए हैं लेकिन मेरी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। अब फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब बैठकर एंजॉय कर रहे थे और तभी डैनियल वहाँ से उठकर आर्थर के कैबिन में चला जाता है और कुछ ढूंढने लगता है और जब उसका कंप्यूटर वो एक्सेस करता है तो उसे पता चलता है कि आर्थर ने हर जगह पर कैमरास लगाए हुए हैं और यहाँ तक कि उनके बेडरूम में भी कैमरास लगे हुए थे। ये बात डैनियल आकर मेरी को बताता है लेकिन अभी भी मेरी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रही थी और उल्टा उसी पर गुस्सा करती है। सीन कट होता है और अगली सुबह डॉक्टर उन सभी के पास में आकर उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है और मेरी की प्रेगनेंसी की न्यूज सभी को देता है जिससे कि वो सभी खुश हो जाते हैं लेकिन डैनियल उन सभी को कैमरे वाली बात बताता है जिससे कि डॉक्टर डैनियल को ही मेंटली अनस्टेबल बता देता है। देन रात को वे सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और आधी रात को डैनियल उठकर बाहर जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर आर्थर होता है और उन दोनों में बहुत ही भयंकर बहस होती है और तभी एक अटेंडेंट आकर उसके गले में इंजेक्शन लगा देती है जिससे कि डैनियल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक बेड पर बंधा होता है। फिर आर्थर और वही अटेंडेंट उसका कुछ ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जिससे कि उसे बहुत पेन होता है। फिर सडनली डैनियल की नींद खुल जाती है और हमें ये समझ जाता है कि वो उसका एक बुरा सपना था और वो जब अपने साइड में देखता है तो उसके बेड में मेरी नहीं थी। फिर वो बाहर जाकर सभी लोगों से मेरी के बारे में पूछता है लेकिन वे सभी उसे इग्नोर करते हैं और फिर डैनियल उसी जगह पर वापस आ जाता है जहाँ पर आर्थर मेरी की बॉडी को स्कैन कर रहा था लेकिन मेरी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और उसे ठीक से खड़े होने की भी नहीं बन रही थी। डैनियल मेरी को लेकर बाहर आता है और किसी को भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है और स्टीव के पूछने पर आर्थर स्टीव को पिस्टल से बेहोश कर देता है। फिर डैनियल मेरी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और तभी आर्थर सेबेस्टियन नाम के एक अजीब क्रिएचर को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है जो कि आधा इंसान था और उसके हाथ एक क्रैब के जैसे थे और वो डैनियल पर अटैक कर देता है। तभी मेरी वहाँ से भाग जाती है और फिर आर्थर वहाँ पर आ जाता है और डैनियल और आर्थर के बीच में फाइट होती है जिसमें डैनियल आर्थर को पिस्टल चलाकर बेहोश कर देता है। अभी इसके बाद में मेरी भागते भागते एक वैनिटी की तरफ जाती है जिसमें एक आदमी निकलता है और मेरी रोते रोते उसे उस हॉस्पिटल के बारे में सारी बातें बताती है लेकिन वो मेरी के किसी बात का भी भरोसा नहीं करता है और तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आकर उस आदमी को शूट कर देता है और वो मेरी पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर डैनियल आकर उसे बचा लेता है। अब वो दोनों जैसे तैसे भागते भागते एक रोड तक पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें सामने से आती हुई एक कार नजर आती है और उसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब वो दोनों यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तभी उस कार से निकलकर एक बड़ा सा आदमी उनके तरफ आता है और डैनियल को सर से पकड़कर ऊपर उठा देता है और फिर वो उसका सर हाथ से ही कुचलकर उसे मार डालता है। फिर वो आदमी सेम चीज़ मेरी के साथ में भी करने वाला था लेकिन आर्थर वहाँ पर आकर उसे रोकता है और ये दोनों मेरी को उठाकर अपने ही साथ में ले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कुछ लोगों के बीच में घिरी हुई मेरी को एक बेड पर लेटे हुए देखते हैं। वहाँ पर आर्थर भी होता है और वो मेरी के पेट को चीरकर उसमें से एक बेबी को बाहर निकालता है और जब मेरी उस बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है
तो उस बेबी की फिंगर अपने आप ही बढ़ने लगती है और मेरी के हाथ को होल्ड कर लेती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, हमने इस मूवी में लेंड्स नाम के एक इंस्टीट्यूट को देखा जहाँ पर उन लोगों का ट्रीटमेंट हुआ करता है जो कि कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते हैं। पेरेंट्स बनने की ख्वाहिश में लोग इस इंस्टीट्यूट में आते तो हैं, लेकिन उन्हें यहाँ की सच्चाई नहीं पता थी। डॉक्टर आर्थर यहाँ पर आने वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके बेबी तो नहीं बल्कि एक अलग ही क्रिएचर बनाना चाहता था जिससे कि वो अपने मनचाहे काम करवा सके, और सेम उसने मेरी और डेनियल के साथ में भी किया। डेनियल को सारी बातें पता चल गई थी और इसीलिए उसने डेनियल को मार दिया। दोस्तों, ये एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर बनी हुई मूवी है, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर सारी मूवीज को अपलोड करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में।